हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रिसेंटली पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी गैर मुल्की माइग्रेंट्स पुर्तगाल में रहते हैं उन सबको सिटीज़नशिप राइट्स दिए जा रहे हैं। ये जो सिटीज़नशिप राइट्स हैं, ये टेम्प्रेरी सिटीज़नशिप राइट्स तमाम माइग्रेंट्स को दिए जाएंगे, चाहे वो लीगली पुर्तगाल में इंटर हुए थे या इलीगल इंटर हुए थे। जिसने भी अपने पेपर्स अप्लाई किए हुए हैं, जो भी पुर्तगाल में रहते हैं लोग, उन सबको टेम्प्रेरी बेसिस पे फुल सिटीज़नशिप राइट्स दिए जा रहे हैं। इन सिटीज़नशिप राइट्स के तहत उन तमाम माइग्रेंट्स को, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, या किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, उनको सिटीज़नशिप राइट्स दिए जाएंगे। इन सिटीज़नशिप राइट्स के तहत तमाम हेल्थ केयर की जो बेनिफिट्स हैं वो उन तमाम माइग्रेंट्स को मिलेंगे। उसके अलावा जो सोशल के बेनिफिट्स हैं वो भी उन तमाम माइग्रेंट्स को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो सिटीज़नशिप राइट्स हैं ये टेम्प्रेरी बेसिस पे दिए जा रहे हैं। ये 30 जून तक के लिए दिए जा रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये सिटीज़नशिप राइट्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, एक वायरस, एक वबा ने पूरी दुनिया का जो सिस्टम है उसको डाउन किया हुआ है। कारोबार नहीं है लोगों के पास, रोज़गार नहीं है, पैसे की कमी हो रही है लोगों के पास, क्योंकि जब लोग काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जब बिज़नेस नहीं चलेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट है उसका ये स्टेप, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है गैर मुल्कियों के लिए। जो सिटीजन्स हैं उनको तो ऑलरेडी तमाम राइट्स होते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं पूरी दुनिया के अंदर। जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, जब काम नहीं है तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सूरत में पुर्तगीज़ गवर्नमेंट का ये स्टेप, जिसको मैं सल्यूट करूँगा। पुर्तगाल जैसी जो कंट्री है वो ऑलरेडी मेरी फेवरेट कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज़ में, पेपर देने के मामले में सबसे ज़्यादा आगे जो यूरोपियन कंट्री है वो भी पुर्तगाल है। माइग्रेंट्स का ख्याल रखा जाता है पुर्तगाल के अंदर। जितने भी लोग हैं, चाहे वो लीगल इंटर होते हैं पुर्तगाल में या इलीगल इंटर होते हैं, उनको रेजिडेंसी दी जाती है, कुछ जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं लोग, तो उसके बाद उनको रेजिडेंसी मिल जाती है, पेपर मिल जाते हैं। तो अभी भी जो स्टेप लिया गया है इस वक्त में, इस कंडीशन में, जहाँ पे कई ममालिक जो हैं वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो आउटसाइडर्स हैं, जो दूसरे ममालिक से आके उनके कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग जो माइग्रेंट्स हैं, उनको किस तरीके से निकाला जाए, बेदखल किया जाए अपने मुल्क से। तो इस कंडीशन में पुर्तगाल का ये जो स्टेप है सिटीज़नशिप राइट देने का, टेम्प्रेरी सिटीज़नशिप राइट देने का स्टेप, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तमाम हेल्थ केयर के बेनिफिट्स जो माइग्रेंट्स हैं उनको मिल जाएंगे, उसके अलावा जो सोशल के बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, सोशल या सोशल सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है इस वक्त, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट होगी, उनको हेल्थ केयर की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।